हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीनाज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही आलू। तो उसके लिए मैंने कुछ आलू बॉईल करके रख लिए हैं और इधर कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया है और इसमें हमने डाल दिया है तेज़पत्ता और उसके बाद आधा चम्मच जीरा और एक चुटकी हींग। और इसको भुनने के बाद बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कद्दूकस किया हुआ लहसुन और इसे अच्छे से भून लेना है और गैस को रखना है लो फ्लेम पर ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसके बाद दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी हमने इसमें डाल दी है और मिर्च को अच्छे से भुनने के बाद एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और एक चम्मच कस्तूरी मेथी हमने ले ली है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जो आलू हमारे बॉईल हुए रखे थे उसे मैंने हाथों से तोड़ लिया है और इस तरह से आलू को तोड़ कर रख लिया है। और इधर जो हमारा मसाला भुनकर हमने तैयार किया था ये आलू हम इस मसाले में डाल देंगे। आलू को मसाले में डालने के बाद इन्हें भी लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है और उसके बाद जो आधा लीटर गाढ़ा मट्ठा हमने लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और मट्ठे को डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है और बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो मट्ठा हमारा फट जाएगा। और इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। और बॉईल आने के बाद इसे हमें 5 मिनट तक और कुक करना है। तो सब्जी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है और अब हम इसमें कुछ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आलू मट्ठे की सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।